अब तक रूस के 11,000 जवान मार गिराए हैं यूक्रेन की ओर से। यह बड़ा दावा किया जा रहा है, यूक्रेन की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमने 11,000 रूसी जवानों को मार गिराया है। इस जंग में 290 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। रूस के करीब 1,000 रूसी आर्म व्हीकल को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की ओर से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार सामने आकर रूस के 46 एयरक्राफ्ट, 68 हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए हैं। यूक्रेन की ओर से ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा दावा है, 11,000 जवान मारे गए। जनरल, अब आपकी तरह से देख रहे हैं इस बात को, जनरल दयाल, 11,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। देखिए, 11,000 रूसी सैनिक मारे गए, ये दावा यूक्रेन का है और इसे हमें पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन बड़ा चढ़ाकर चीन कह रहे हैं रूस हमारा सबसे अहम रणनीतिक साझेदार है। बिल्कुल, चीन की ओर से कहा जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर चीन का ये बड़ा बयान सामने आया। एक तरफ बीच का रास्ता निकालने के बाद वो कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन वहीं चीन का ये बहुत बड़ा बयान है। देखिए चित्रा, इसको तो मैं एक शब्दों में खत्म कर दूंगा। जैसे ही भारत ने इनिशिएटिव लिया है, हाँ, किसी भी चीज का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया है, चीन अब अपने इनिशिएटिव को दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं समझता, अगर चीन सिंसियर होता तो ये लड़ाई भी होती।